ओम शांति कुछ समय पहले हमने आदरणीय कविता दीदी जो कि अगरतला से हैं आपका बहुत सुंदर अनुभव सुना और वो अनुभव इतना विशेष था कि किस तरह से बाबा ने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपना इतना सरल रूप से परिचय आपको दिया कैसे गीता के भगवान पर आपका निश्चय पक्का कराया दादी जानकी से आपने बहुत प्रेरणा ली कैसे बाबा ने इतनी छोटी सी उम्र में आपको मुरली सुनने और सुनाने का दोनों ही सौभाग्य प्राप्त कराए इसके साथ स्कूल में सभी बच्चों के बीच में आपको बाबा के महावाक्य सुनाने का मौका मिला और ये कार्य कुछ दिन नहीं कई सालों तक चला ऐसे विशेष अनुभव आपने बचपन से ही अपने जीवन में किए हैं और आगे आज हम फिर से आपसे सुनेंगे कि कैसे बाबा ने इस निश्चय को केवल पक्का नहीं कराया लेकिन आपके अंदर उन धारणाओं को इतना मजबूत किया कि आज आप इतनी बेहद की सेवा कर रहे हैं आदरणीय कविता दीदी आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे ही कुछ और विशेष अनुभव लेकर तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के इस अनुभव के कार्यक्रम को ओम शांति अनुभव की दास्तान में आप सबको अपने जीवन के अनुभव में बाबा के साथ का अनुभव मैंने इससे पहले शेयर किया था आज सेवा के फील्ड में जब आए तब का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ तो आपने पूछा था त्रिपुरा में कैसे सेवा शुरू की या क्या हुई तो पहली बात है कि 1995 में त्रिपुरा के सेवा का अध्याय शुरू हुआ और हम तो गुवाहाटी में थे आसाम में थे त्रिपुरा तो काफ़ी दूर है भले एक ही नॉर्थ ईस्ट है लेकिन नॉर्थ ईस्ट काफ़ी लंबा चौड़ा और पहाड़ी दुर्गम और कम्युनिकेशन भी इतना अच्छा नहीं था 1995 की बात है तब यहाँ पर काफ़ी उग्रवाद का प्रभाव था और हमने भी कभी नहीं सोचा था कि त्रिपुरा में आना होगा कभी इतना दूर जाना होगा क्योंकि तब के समय में बाई रोड का रास्ता था बस में आने पर यहाँ पहुँचते पहुँचते 28-30 घंटे हमें लग जाते थे गुवाहाटी से यहाँ पहुँचने में 28-30 घंटे लगते थे तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था और यहाँ के बारे में खास चर्चा भी नहीं सुनी थी लेकिन एक बार ऐसा मौका आया जो यहाँ के गवर्नर वो मधुबन के कोई प्रोग्राम में भाग लेने गए थे तो ज्ञानामृत में उनका फ़ोटो छपा था फ़ोटो छपने पर जब हम लोगों ने देखा मैंने भी देखा और हमारी बड़ी दीदी शिला दीदी ने भी देखा और उन्होंने कहा देखो त्रिपुरा राज्य के गवर्नर मधुबन गए हैं तो ज़रूर उनको बाबा का कुछ ज्ञान मिला होगा उनके रहते रहते अगर वहाँ जा कर के सेवा किया जाए तो शायद उनसे भी सहयोग मिल सकता है सेवा सहज हो सकती है तो तुम लोग जाओ सेवा करने और हमारे मन में सदैव रे ये रहता था कि पड़ोसी राज्य है हर जगह बाबा का संदेश देना है तो हमने ठीक तो ठीक है कहा लेकिन अंदर में सोचा कि इतना दूर कैसे जाएं क्या करें थोड़ा मन में शंका या भय भी उत्पन्न हुई और मैंने बहन जी को कहा बहन जी हम तो वहाँ किसी को नहीं जानते हैं और कोई हमें नहीं जानते हैं कहाँ जाएं क्या करें कैसे सेवा करें तो बहन जी ने हमको कहा हमने थोड़ी संकोच किया कि कहाँ जाए कहाँ रहें क्या सेवा करें तो बेंजी ने कहा कविता तुम्हारे पास वो धन है जिस धन को लेकर विश्व के किसी भी कोने में तुम जाओगी ना, बस बाबा का बिजनेस शुरू कर सकोगी मतलब बेंजी ने बड़े दूरदर्शिता के साथ ज्ञान रूपी धन की बात कही तुम्हारे पास बाबा का दिया हुआ ज्ञान का धन है बस ये धनी तो काफ़ी है और क्या चाहिए कोई जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं मैंने कहा हमें तो कोई नहीं पहचानता है हम कैसे क्या करें कहाँ जाएं जब मैंने थोड़ी संकोच किया आना कानी किया तो बहन जी ने कहा देखो शिव बाबा को भी तो कोई नहीं पहचानता था इस दुनिया में और वो परमधाम से आकर खुद ने खुद का परिचय दिया उसी शिव बाबा की बच्ची हो तुम तो, इसलिए तुम भी अपना परिचय अपने आप प्रतिष्ठित करना होगा बस जब ऐसे कहा तो थोड़ा अंदर में हिम्मत आ गया और हम दो बहनों को उन्होंने भेजा साथ में एक बड़ी दीदी को भेजा जुनाली बहन जी को और एक भाई यहाँ हम लोग आए और गवर्नर से अपॉइंटमेंट ले रखा था गवर्नर से मिलने गए और अपनी संस्था की बात बताई उन्होंने कहा हाँ काम आपकी संस्था बहुत अच्छा काम करती है लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सिचुएशन है यहाँ सारा कम्युनिस्ट का राज है यहाँ तो पता नहीं आप लोग ये कर पाएंगे कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ और मैं क्या सहयोग करूँगा मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा आप लोग जाइए लोगों से मिलिए जनसाधारण से मिलिए जन साधारण के द्वारा जनसाधारण के बीच में रह के सेवा करना होगा मतलब कि गवर्नर ने हमको एक प्रकार से निराश कर दिया हमने सोचा था वो सहयोग देंगे लेकिन अच्छा हुआ निराश करने के कारण हम उनके ऊपर जरा भी आश नहीं रख सकते थे और हम खुद अपने बलबूते पर सेवा में निकले एक रात के लिए तो उन्होंने सर्किट हाउस में जगह दे दिया था लेकिन दूसरे ही दिन हमसे खाली करवाया क्योंकि कोई कैबिनेट मिनिस्टर आ रहा था खाली करना पड़ा तो हम कहाँ जाएं एक होटल में जा कर के रहे और जब होटल में जा के रहे तो होटल के छत में खड़े होकर के हम चारों तरफ सकाश देते थे और आत्मा को आह्वान करते थे हे आत्माएं बाबा के बच्चे यहाँ अगर कोई छुपे हुए हैं तो निकल आए निकल आए ऐसे ही हम आह्वान करते थे और उसी समय एक भाई आंध्र प्रदेश से ट्रांसफ़र होके यहाँ आया हुआ मिला और एक भाई आसाम से अपने सर्विस के कारण ट्रांसफ़र होके आए वो दोनों भाई को कैसे भी खबर मिला वो आ करके मिले तो हमें कम से कम दो आत्मा मिले लेकिन उनकी ड्यूटी तो बड़ी सख्त थी और हम लोग एक दिन उस होटल में रहे और इतने में हमारी जो दीदी आई थी ना साथ में जुनाली बहन जी उनका मधुबन जाने का डेट था वो हम लोगों को छोड़कर चली गई हम दो बहने ही रहे बस मैं और प्रज्ञा बहन और वो भाई भी चला गया और हम लोग कहाँ रहे जो भाई आसाम से ट्रांसफ़र हो के आया था वो भाई एक कमरा भाड़ा करके रहता था वहाँ गए और हम लोगों ने रहने का स्थान मांगा उन्होंने अपना कमरा छोड़ दिया वो बेचारा बाहर चला गया और हम लोग को अपना कमरा छोड़ दिया और उसमें रह करके हम लोग ने बाबा की सेवा शुरू की अब बाबा की सेवा जो शुरू करनी थी हमारे पास तो कुछ ख़ास साधन नहीं थे उस समय टेलीफोन की भी इतनी क्योंकि 1995 की बात है आज से छब्बीस साल पहले की बात है तो टेलीफोन की भी इतनी व्यवस्था नहीं थी और यहाँ पर जो बंगला भाषा चलता है वो भी हमें मालूम नहीं था और रास्ता घाट कुछ भी जान पहचान नहीं था दो भाई जो मिले थे वो भी बाहर के आए हुए वो भी यहाँ नए थे और वो अपनी ड्यूटी में बिजी रहते थे तो हम लोग अपने आप निकलते थे रोज़ सवेरे एक बार नाश्ता पानी करके निकल जाते थे सारे दिन के लिए कहाँ जाते थे कहीं भी कभी दाएं तरफ चलो कभी बाएं तरफ चलो जिधर जहां रास्ता देखा उधर ही चल देते थे और जाते जाते कहीं स्कूल मिला वहां अंदर चले जाते थे अपने आप परिचय करते थे और सेवा के लिए स्थान ढूंढते थे कहीं कॉलेज मिला वहां चले जाते थे कोई क्लब मिला वहां जा परिचय होते थे ऐसे करते करते रोज़ रेगुलर हम लोग निकलते रहे और ऐसे करते करते एक दिन हम लोग दूरदर्शन केंद्र में पहुँचे और दूरदर्शन केंद्र था तो काफ़ी दूर वहाँ जाकर के जब पहुँचे और उनके डायरेक्टर से मिले तो डायरेक्टर ने कहा अच्छा ब्रह्मा कुमारी हाँ मैं इस संस्था को जानता हूँ मैं भी उड़ीसा से आया हूँ ट्रांसफ़र हो करके के मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ क्योंकि मेरे भाई भाभी वहाँ पर संस्था में जाते हैं आप लोग अच्छा काम करते हैं हमने कहा हमें सहयोग चाहिए उन्होंने क्या उन्होंने कहा क्या सहयोग चाहिए हमने कहा आपका तो ये दूर संचार का माध्यम है हमारे संदेश को सबके पास पहुंचाना उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है आप एक काम कीजिए इंटरव्यू दीजिए टीवी इंटरव्यू लेते हैं फिर उन्होंने ये भी बताया कि कौन इंटरव्यू लेगा वो भी खुद ठीक करिए क्या क्वेश्चन आंसर होगा वो आप ही खुद ठीक करिए हम समय पर टीम भेज देते हैं तो हम लोग निकल आए फिर जाते जाते एक कॉलेज मिला वहाँ पर हम घुस गए अपने आप और वहाँ जा कर के एक मैडम मिली उससे बातचीत किया फिर प्रिंसिपल से मिला प्रिंसिपल के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने एक प्रोग्राम के लिए बोला बीएड कॉलेज था तो उन्होंने दो दिन के बाद वो प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया फिर वो टीवी स्टेशन के डायरेक्टर को हमने फ़ोन किया यहाँ पर ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है उन्होंने कहा बस बस तो ठीक है हम अपना टीम कवरेज टीम को भेज देते हैं आपका उसी कॉलेज में इंटरव्यू ले लेगा अब थी कि कौन इंटरव्यू लेगा क्योंकि हमारे हम तो किसी को जान पहचान नहीं थे तो जो मैडम मिली उससे परिचय किया और हमने कहा हमको सहयोग देंगे आप कहा क्या करना है आपको देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है सफ़ेद कपड़े पहने हुए लग रहा है कहीं से परियाँ आए हैं शांति का अनुभव हो रहा है आपको क्या हम सहयोग कर सकते हैं मैंने कहा ऐसा तो कहा ठीक है मैं आपका इंटरव्यू लेने में मदद करूँगी क्या करना चाहिए बताइए तो मैंने कहा ठीक है हम क्वेश्चन सेट करते हैं लेकिन दूरदर्शन केंद्र ने बताया था ये तो लोकल भाषा में बोलना पड़ेगा बंगला में हमको बंगला नहीं आता था मैडम को बोला उसने कहा कि अच्छा आप हमारे घर आइए ये है एड्रेस तो पूछ पूछ के उनके घर गए और उन्होंने कहा ये हमारे हस्बैंड है ये आपको मदद करेंगे तो उनके सामने बैठ के हमने क्वेश्चन बोला हिंदी में उन्होंने बंगला में लिख दिया आंसर बोला वो भी लिख दिया तो बस एक दिन के अंदर तैयार कर लिया दूसरे दिन बी एड कॉलेज में प्रोग्राम हुआ और वहाँ टीवी इंटरव्यू भी लेने के लिए लोग आ गए 20 मिनट का टीवी इंटरव्यू हुआ और कमाल थी उस टीवी इंटरव्यू की क्योंकि ये तो पूरे स्टेट में प्रसारण हुआ और बहुत सारे लोगों ने ये देखा देखने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो हमें ढूंढने लगे बहुत सारे लोगों ने अनुभव बताया कि ऐसा हमने कभी नहीं सुना भी था न देखा था सफ़ेद वस्त्र पहने हुए कोई परी जैसे देवी जैसे बहुत शांति की बातें सुना रही थी शांति का अनुभव हो रहा था हमें तो यही अनुभव चाहिए तो ये टीवी इंटरव्यू जिन्होंने देखा था ना उस टीवी इंटरव्यू देखने वालों में से कई लोग जैसे सेक्रेटेरिएट के कुछ एम्प्लॉयज़ थे कुछ और कुछ ऑफिस के एम्प्लॉज वो लोग आपस में मिले और बातचीत किया और वो लोग हमें ढूंढने निकले अच्छा ढूंढने जो निकले कहाँ जाए क्योंकि हम लोग का तो कोई एड्रेस नहीं हम लोग अभी आए ही हुए हैं एक भाड़ा के घर में एक कमरे में हम रहे हुए हैं ना तो साइनबोर्ड है ना कोई फ्लैग लगाया है ना कोई पर्चा छपाया है कुछ भी नहीं केवल टीवी इंटरव्यू के समय जब उन्होंने पूछा था मैंने कहा था कुंजबन एरिया में रहते हैं इतना हमने बोला था वो एरिया का नाम था कुंजबन तो टीवी इंटरव्यू में कुंजबन सुनने के बाद वो एक ग्रुप लोग जो हमें ढूंढने के लिए निकले थे दोपहर के समय पर दो तीन दिन से वो लोग ढूंढ रहे थे कुंजवन एरिया में चक्कर काट रहे थे तो जाते जाते क्या हुआ एक दिन देखिए समय पर कैसे बाबा काम कराता है हम लोग तो रोज़ सवेरे ही सेवा ढूंढने निकल जाते थे कहीं ना कहीं दिन में तो रहते ही नहीं थे लेकिन सवेरे नहा धो के कपड़ा धो के अपने जो कपड़े सफ़ेद साड़ी सामने उनका जहाँ कपड़ा सुखाने का जगह था वहाँ डाल करके चले जाते थे और वो सफ़ेद साड़ी हवा में ऐसे ऐसे सूखते थे और हवा में हिलते थे तो जो लोग पंजाब एरिया में हमें ढूंढ रहे थे हमारे बारे में पूछने पर कोई तो जानता नहीं था क्योंकि किसी से परिचय भी नहीं लेकिन एक घर में आंगन में ऐसे सफ़ेद कपड़े सूख रहे और हवा में हिल रहे उन्होंने नोटिस किया नोटिस करके उस घर में जा कर के उन्होंने घर के बाहर एक दुकान था दर्जी का वहाँ पूछा यहाँ पर कोई सफ़ेद कपड़े पहने वाले लोग रहते हैं कहा दर्जी ने कहा हाँ हाँ हम देखते हैं दो बहनें हैं वो लोग यहाँ रहती हैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ लेकिन रोज़ सवेरे निकल जाती है और शाम तक आती पता नहीं कहाँ जाती है तो को पता चल गया कि यही घर है उस घर में जाके उन्होंने मकान मालिक से पूछ लिया कि यहाँ ऐसे बहने रहते हैं बोला हाँ तो बस वो लोग निश्चित हो गए कब मिलते हैं बोला सुबह आठ बजे से पहले तो दूसरे दिन सुबह छः बजे ही ढेर सारे लोग आ गए हमारे पास और इन दिनों जब तक हम उस घर में रहे थे रोज सवेरे दो घंटा योग भट्टी करते थे और रोज संकल्प भेजते थे कि हे बाबा के बच्चों हे आत्माओं हे ब्राह्मण परिवार की आत्माओं आप सब कहाँ छुपे हुए हो कहीं तो होंगी है आप सब को हम यहाँ पर बुला रहे हैं आप लोग आ जाओ बाबा आ गया है अपने बच्चों को संदेश देने पालना देने आ गया है नहीं? उसने हमें यहाँ भेजा है ऐसे ऐसे संकल्प हवा में भेज देते थे और बहुत अच्छी तरह बाबा को याद करके वाइब्रेशन फैला के आत्माओं का आह्वान करते थे सचमुच उस दिन सवेरे छः बजे इतने सारे लोग हमें ढूंढने पहुंच गए हमें देखकर बड़ी खुशी हुई लेकिन हम बिठाते तो कहाँ बिठाते हमारे पास तो न चेयर था न मुड़ा था कुछ भी नहीं था सोने के लिए हमारे पास बिस्तर बेड भी नहीं था हम तो वो फ़ौजी भाई जो था हमारे पास आता था प्रसाद भाई उन्होंने दो कंबल ला के दिया था वही कंबल बिछा के सोते थे इतनी गर्मी थी अप्रैल का महीना वही कंबल बिछा दिया उन लोगों को और बिठाया और बिठा के बाबा का ज्ञान सुनाने लगे उन्हें बहुत अच्छा लगा तो इस प्रकार रोज़ सुबह आके कोर्स करने लगे ऐसे करते करते एक बैच कोर्स हो गया और वो बाबा के बच्चे बने और जो टीवी जो बीएड कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था उसी कॉलेज से कॉलेज में नौकरी करने वाले कई उस दिन वहाँ के बाबा की बात सुनकर वो बाबा के बच्चे निकल पड़े आज भी वो बाबा के पक्के बच्चे हैं इस प्रकार देखिए बाबा कैसे कैसे अपना काम कराता है तो ऐसे स्थापना का कार्य में बाबा ने कुछ मिर्यकल दिखाया तो ऐसे ही और दो चार दिन ही हमारा बीता था एक दिन जाते जाते हम एक मंदिर में पहुंच गए और रविवार का दिन था वैसे मंदिर में कोई लोग तो थे नहीं शिव का मंदिर था परंतु उसी मंदिर के परिसर में एक तरफ राधा का मंदिर था शिव के मंदिर के साइड में राधा मंदिर था तो वहाँ पर दिन के तीन बजे थे कुछ लोग इकट्ठे थे और कुछ पाठ सुन रहे थे शास्त्र पाठ एक महात्मा जी बैठ के पाठ सुना रहे थे तो हमने देखा यहाँ तो कुछ गैदरिंग है बस हमें तो यही चाहिए लगा कि यहाँ अगर तो दो चार बात सुना सकेंगे तो अच्छा होगा हमने वहाँ जा कर के काफ़ी देर इंतज़ार किया उनका पाठ चल रहा है कोई हमें नहीं देख रहा है हम तो खड़े हैं तो एक छोटा जो पंडित था वो निकला कहा क्या बात है कहाँ से आए हो हमने अपना परिचय बताया फिर उसने कहा ठीक है यहाँ बैठे रहो जब ये पूरा होगा तो मैं बताऊंगा पंडित जी को तो हो उसने जब ये कथा चल रहा था कथा के बीच में शायद ब्रेक होता था उनका वो पंडित जी उठा और इसी बीच में वो छोटे पंडित ने उनको बोला आसाम से दो भक्त तो आए हैं ये भी कुछ सुनाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा अच्छी बात है क्या सुनाएंगे कौन सी कहानी सुनाएंगे मैंने कहा शिव की कहानी सुनाएंगे तो बोला बैठिए बैठने को दे दिया हमें तो यही चाहिए था लेकिन सामने इतना बड़ा शास्त्र ला के रखा बोला अब ये पाठ करो तो हमने कहा नहीं हम ये पाठ नहीं करेंगे हम तो अंदर से पाठ करते हैं बोला ठीक है तो हमने एक मिनट आधा मिनट बाबा को याद करके ओम शांति बोला और शुरू किया हम तो स्वाभाविक हिंदी में बोलते थे तो हिंदी में जब बोलना शुरू किया उस गैदरिंग में से जो लोग थे उन्होंने कहा हिंदी में नहीं बंगला में बोलो अब हमारे लिए तो ये परीक्षा की बात हो गई हम बंगला तो यहाँ आए ही हैं अभी सीखा नहीं है लेकिन अभी हमको इमीडिएट एग्ज़ाम देना पड़ा तो उन्हीं दिनों बाबा की अव्यक्तवाणी चली थी बाबा ने कहा था स्मृति का स्विच ऑन करो तो बच्चे सब कुछ हाजिर होगा तो हमने भी बाबा को याद किया एक सेकंड और कहा बाबा मैं स्मृति का स्विच ऑन करती हूँ अब आप जो करना है करो बस मैंने बाबा को याद किया और बोलना जो शुरू किया ना ऑटोमेटिक बंगला में बात निकल आया मैं आश्चर्य हुई कैसे बंगला में बात निकल रहा है मैंने तो बांगला सीखा ही नहीं अभी लेकिन कंटिन्यू कोई अटक नहीं बाबा की बातें मुख से निकलती रही वो आत्माएं भी सुनती रही और मैं आत्मा भी सुनती रही इसी मुख से निकलता रहा इसी कान से मैं सुन सुन के आश्चर्य हो रही थी अंदर ये कौन बोल रहा है लेकिन ये हमने कमाल देखा समय पर बाबा कैसे टच कराता है और कैसे अपना काम कर देता है और सच में कहूँ उस दिन का वो प्रोग्राम जो था वो वंडरफुल इसलिए था क्योंकि उस सभा में बैठे हुए लोग समाज के बड़े बड़े लोग थे और समाज के उन बड़े लोगों में से ज़्यादातर लोग कोई ना कोई संस्था के मुखिया थे तो जिसके कारण उन्होंने उसी समय समझ लिया बात को और कहा बस बस यही बात ही तो हमें चाहिए थी आपने जो सुनाया अभी आप हमारे संस्था में आएंगे हम निमंत्रण देते हैं मैंने कहा आएंगे हमें तो यही चाहिए था तो किसी ने अपना वार्षिक सभा में मुख्य अतिथि बनाया किसी ने कोई और सेमिनार में हमको मुख्य वक्ता बनाया किसी ने क्या बनाया ऐसे हर जगह से निमंत्रण दिया और वो लोग लेने के लिए आ जाते थे हमें और हम जहाँ हम जाते थे हमें बड़ी गैदरिंग मिलती थी और हम बाबा की बात को सुनाते थे तो बाबा की बात को जब सुनाते थे उसी में से कोई ना कोई बाबा का बच्चा निकल आता था इस प्रकार हर सभा में से कोई ना कोई, कोई बाबा का बच्चा निकला और बाबा को उसने पहचान लिया बाबा को पकड़ लिया इस प्रकार से देखा गया कि एक महीने के अंदर एक मुट्ठी बाबा के बच्चे तैयार हो गए और उन्हीं बच्चों ने कुछ ही दिनों के अंदर घर ढूंढ के तैयार करके एक घर भाड़ा में ले लिया और सेंटर शुरू हो गई फर्स्ट जून को सेंटर का शुरुआत हुआ अब देखिए सेंटर जब शुरू हुआ वहाँ भी कोई साइनबोर्ड नहीं कोई पर्चा नहीं कुछ नहीं लेकिन एक बाबा का फ्लैग लगा दिया रास्ते में गली के अंदर घर था लेकिन हम बहनें खूब बाबा को याद करते थे और सचमुच वो वाइब्रेशन बाबा का कैसे काम करता था अपने आप लोग पूछने के लिए आते थे यहाँ क्या होता है क्या होता है तो देखा गया सवेरे से लेकर इतने लोग आते थे जानने के लिए और कोर्स करने के लिए सच में हम कहें तो सर सब... हम सबको नाश्ता करने का भी टाइम मिलता नहीं था सवेरे मुरली सुनाई फिर कोर्स कराई फिर कोर्स कराई फिर कोई आया इस प्रकार बाबा ने बहुत तूफान की तरह सेवा कराई अब बहुत सारे भाई बहनों की वृद्धि हुई है। अब इसी बीच में यहाँ पर एक हेल्थ मेला होने वाला था एक्चुअली हेल्थ मेला का कंसेप्ट नहीं था लेकिन मधुबन में जो होलिस्टिक हेल्थ मेला का एक कंसेप्ट निकाला जगह जगह हो रहा था उसका समाचार तो ज्ञान अमृत में मिलता था तो हम भी एक दिन हेल्थ मिनिस्टर से जाकर मिले और जाकर बताए ऐसा हेल्थ मेला हम लोग करते हैं हमारे डॉक्टर्स लोग हमारे मेडिकल ये विंग के भाई बहने आकर के करेंगे तो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा बस यही तो हमें चाहिए था लेकिन हम हमारे पास कंसेप्ट नहीं है कि ऐसा करना है आप लोग करेंगे तो हम सहयोग देंगे तो बस उसके बाद तो उन्होंने एकदम स्टेट लेवल का मीटिंग बुलाया हेल्थ डिपार्टमेंट डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ मिनिस्टर और सभी बैठ कर के मीटिंग किया हमें बुलाया और हमने कहा कि हाँ हम करेंगे हमारे पास मटेरियल है हमारे पास चित्र है हमारे पास सब कुछ है माउंट डबू में है हम मंगा देंगे हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर हैं सब हैं तो उन्होंने हमारी बातों के ऊपर यकीन किया और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने सचमुच में, में मेला का आयोजन किया सारा ग्राउंड में स्टॉल लगाने से लेकर एवरीथिंग खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया लेकिन उसमें जो एग्जीबिशन था केवल अपना था और उस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए मधुबन से डॉक्टर बनारसी भाई से लेकर के बड़े बड़े डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे मेडिकल विंग के वरिष्ठ भाई बहने बहुत आ गए इतनी अच्छी सेवा हुई सात दिन तक मेला चला ये शुरू के दो साल के अंदर ये बहुत बड़ी एक बाबा ने कराई कमाल की बात और हमारे भाइयों ने बताया बनारसी भाई जी ने बताया कि देखो बहन ऐसे सरकार के सहयोग ब्रह्मा कुमारी इसके के साथ कोलेबोरेशन में, में मेला करना ये पहला ही एग्जाम्पल यहाँ त्रिपुरा गवर्नमेंट का हुआ तो सचमुच ये बहुत अच्छी बात हुई इसके बाद तो और भी बहुत जगह इस प्रकार से मेले हुए और वो हर साल हेल्थ मेला होता था और हमें बुलाते थे इस प्रकार उस मेले में से बहुत बाबा के बच्चे निकले और इसी बीच में एक बात थी जब हम यहाँ आए थे तो बहुत उग्रवाद का चल रहा था और यहाँ पर बहुत रोज ही किडनैपिंग होता था गोलीबारी होती थी तो लोग यहाँ के लोग हमें कहते थे कि आप बाहर नहीं जाना बाहर कहीं नहीं जाना शहर से बाहर नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर तो इस प्रकार का प्रॉब्लम है सचमुच यहाँ के लोग डरते थे कहीं जाने में आने जाने में रास्ते में क्योंकि बहुत दुर्गम एरिया पहाड़ी जंगल था जंगल है लेकिन ऐसा हो तो फिर कैसे सेवा करें मैंने बाबा को कहा बाबा आपने लाया सेवा करने आपका संदेश देने लेकिन हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरे शहर में कहीं गांव में जा नहीं सकते आपका संदेश दे नहीं सकते तो ये कि किस लिए लाया सेवा करने हमको तो सेवा करना है आपका संदेश देना है तो उन्हीं दिनों अभ्यक्त बाप दादा का एक मुरली चला था उस मुरली में पंजाब के भाई बहने बाबा से जब मिल रहे थे बाबा ने कोई एक बात कही थी पंजाब के भाई बहनों से मुलाकात में बाबा ने कहा था देखा आप सबके योग का बल पंजाब का उग्रवाद इस समय शांत हो गया ये बात मैंने जब पाया मैंने सोचा अच्छा ये तो एक क्लू मिल गया वाह तो हमने सोचा ये चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं उस समय जो थोड़े भाई बहने थे बारह भाई बहनों का एक ग्रुप बनाया हम लोगों ने और हम लोगों ने एक साल तक योगदान दिया उन आत्माओं को और बाबा को यही कहा बाबा कि सब शांत करा दीजिए ताकि आपकी सेवा आपका संदेश हम हर जगह दे सकें और सचमुच दो साल के अंदर उग्रवाद शांत हो गया हम हर जगह जा पाए और उसके बाद तुरंत ही हमने प्लान प्रोग्राम बनाया और गांव गांव में जाके बाबा का संदेश देने का ये अभियान चलाया हर डिस्ट्रिक्ट में सेवा करने का कोई गांव रह न जाए और ऐसे तो छोटा स्टेट है परंतु सब जगह जा सके और बाबा का संदेश दे सके हमें बहुत खुशी मिली तो एक बहुत बड़ी बात थी कि देखा जाता है कि शुभ संकल्प और शुभ भावना से सब कुछ संभव होता है क्योंकि हमारे शुभ संकल्पों को बल देने के लिए बाबा तो सदा तैयार रहते हैं स्वार्थ से परे अपना मैपन से परे हो के बेहद की सेवा के लिए जब हम संकल्प करते हैं और वो संकल्प जब हम करते हैं ना हम बाबा के सामने अर्पण करते हैं जैसे कोई भोग लगाते हैं हम संकल्पों का भोग लगाते हैं और कहते बाबा ये संकल्प है अभी आप जो करना आप करो सचमुच बाबा प्रत्यक्ष रूप में करा देते हैं मैंने अनुभव किया सेवा के फील्ड में मैं जब भी कोई दूरी में सेवा होती है बाबा को बड़े भाई के रूप में बुलाती हूँ और कहती हूँ बाबा मैं नहीं जा पा रही हूँ आप जा कर के ये सारा काम करके आना ये सेवा करके आना सचमुच बाबा बड़े भाई के रूप में जाके खड़े हो जाते हैं मैदान में और जो जो करना अच्छी तरह से करके करा के किसी को भी निमित्त बना के ले आते हैं और जब मेरे साथ सेवा करना है मैं बाबा को छोटे भाई के रूप में बुलाते हूँ बाबा मुझे बुद्धि दो आइडिया दो शक्ति दो क्या करना है आप सारा प्लान बताओ सचमुच बाबा मेरे संग निभाता है और जब कोई इंटरनल सेंटर की सेवा की बात होती है मैं बाबा को बहन के रूप में बुलाती हूँ और बाबा दोनों हाथ खोल कर के आके मुझे मदद करते हैं जब धन की कोई बात आती है तो मैं बाबा को साजन के रूप में बुलाती हूँ देखिए अभी ये ये सामने प्रोग्राम है ये ये करना है इसमें धन की लागत ये हो सकती है लेकिन कुछ भी नहीं बाबा के घर में और सच मुझ बाबा कहाँ से चमचम करके ला देता और कभी अभाव नहीं होता बाबा अपना काम कर देता है इसी प्रकार बाबा सभी बच्चों की पालना के लिए मैं बाबा के रूप में बाबा को याद करती हूँ और बाबा हमारी भी कैसे पालना करता बच्चों को भी पालना करता जब कोई समस्या आती है मैं कहती हूँ बाबा ये आपका काम है आपका यज्ञ है आपके बच्चे हैं आप संभालो मैं क्या जानूँ जिसके बच्चे वो जाने मैं निश्चिंत हो जाती हूँ सारी चिंता उसको दे देती हूँ फिर वो जो करना करता है वो तो अच्छा ही करता है तो सर्व संबंध का अनुभव सेवा के फील्ड में आने के बाद बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ और शुभ भावना शुभ संकल्प का ये जो प्रयोग है बाबा ने बहुत अच्छी चीज़ हम सबको दी है और इसी बीच में देखिए सन 2000 2000 में 95 में तो यहाँ आए और 2000 में ही बाबा को इस जम, ज, जमीन में मना इस धरती में ज़मीन ख़रीद के मकान लेकर के बाबा ने यहाँ पर परमानेंट बिठाया तो ये भी कमाल है सेवा शुरू हुई तो केवल चार साल ही हुए थे चार पाँच साल के अंदर बाबा ने कैसे शुरू कराया वो बाबा जानते हैं और बाबा की उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में सेवा शुरू हुई हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने बाबा को कहा बाबा हर डिस्ट्रिक्ट में सेवा होनी चाहिए तो सेवा भी बाबा ने कराई बहनें भी बाबा ने निकाला इसी भूमि से आज कन्याएं निकली हैं जिसके कारण आज चौदह पंद्रह सेंटर्स और वहाँ पर बहने तैयार हुई सेवा के लिए सब बाबा कराता है अब 2000 सन में फिर बांग्लादेश की सेवा का पाठ शुरू हुआ बांग्लादेश में यहाँ से एकदम नज़दीक है बांग्लादेश तो ये भी हमें संकल्प चलता था कि ये तो पड़ोसी राष्ट्र है वहाँ अगर बाबा का संदेश ना दें तो बाबा तो हमें हमारा कान पकड़ेगा अंत में धर्मराज बन के बाबा डंडा दिखाएगा क्यों तुम्हें तो तुमने संदेश नहीं दिया तो मैंने बाबा को कहा बाबा ये जिम्मेवारी भी तो आपको पूरा तो सन 2000 में बांग्लादेश जाने का प्रोग्राम बना पहली बार हम लोग ने पासपोर्ट बनाया वीज़ा बनाया दो बहनें और एक भाई हमें वहाँ पर ले गया साथ में एक माता जी गए और वहाँ भी कोई जान नहीं पहचान नहीं कुछ भी नहीं वहाँ जाकर सबसे पहले चट्टग्राम जो है वहाँ का सेकंड सिटी वहाँ पर पहुँचे वहाँ एक स्कूल में अनाथ आश्रम में रह के सेवा किया और हमारी जो जितने दिन की वीज़ा थी बस उतना सप्ताह दस दिन का जितना वीज़ा था वो तो पूरा वहीं लगा लिया लेकिन हमारे मन में था कि जो कैपिटल सिटी है ढाका वहाँ तो बाबा का संदेश देना नहीं हुआ वहाँ तो ज़रूर जाना चाहिए लेकिन कहाँ जाएं किससे मिलें कहाँ रहें कोई पता नहीं हमने जोर किया तो वो भाई हमें ले गया भाई यहाँ का ही था लेकिन थोड़ा बांग्लादेश का जान पहचान का था जय किशन भाई तो ढाका ले गया ले जाके वहाँ पर एक मंदिर में लोकनाथ ब्रह्मचारी के मंदिर में हमें वो ले गया और हम लोगों ने सोचा बस आज का रात यहाँ रहेंगे कल तो यहाँ से निकल जाएंगे, अगर अगरतला चले जाएंगे तो उस मंदिर में वो ले गया और वहाँ हम लोगों ने मंदिर से रिक्वेस्ट करके कमरा यात्री निवास का एक कमरा ले लिया और वहाँ जा कर के हम लोग रुके शाम हो ही गया किसी से मिलने का मौका तो नहीं मिला लेकिन हम लोग ने शाम को छः से आठ बजे तक उसी कमरे में बैठ कर के बहुत अच्छी तरह बाबा को याद करके फिर आत्माओं का आह्वान किया लेकिन कोई तो इधर आने की प्रश्न ही नहीं उठती है लेकिन दो घंटा योग करने के बाद अपने आप कुछ लोग हमें मिलने के लिए उस यात्री निवास में ही आ गए कमाल की बात थी देखिए जो लोग मिलने के लिए आए वो लोग भी समाज के मुखिया लोग थे और उन्होंने कहा कि हमने सुना है भारत से यहाँ पर कोई ब्रह्मचारी लोग आए हुए हैं महिला ब्रह्मचारी आए हैं हम मिलने के लिए आए हैं तो वो लोग मिलने के लिए आए और हमने कहा कि आप क्या सुनाने के लिए आए हैं हमें बताइए है। हमने बाबा की बात सुनाई उन्होंने कहा कि तो आप लोग रह करके हमें सुना ही है हमने कहा नहीं हमारा तो जाने का समय आ गया कल हम चले जाएंगे कहा नहीं हम जाने नहीं देंगे आपको रहना होगा वीज़ा हमारा पूरा हो रहा था उन्होंने कहा वीज़ा हम एक्सटेंशन करा देंगे लाइए पासपोर्ट आप लोग जो जो देने आए हैं वो तो दे के जाना है अब वहाँ पर भी ब्रह्मा कुमारी का किसी ने नाम भी नहीं सुना था संस्था के बारे में कोई जानते नहीं थे लेकिन उनमें से एक व्यक्ति थे समाज के गणमान्य व्यक्ति वो वहाँ के बी ऑफिसर रहे कमिश्नर रहे थे उन्होंने कभी विदेशों में कहीं ब्रह्मा कुमारी को देखा था जानते थे उन्होंने कहा अच्छा मैंने वहाँ जापान में देखा लंदन में देखा वही चांस था कि आप लोग हैं बोला हाँ तब तो बहुत अच्छी बात है फिर तो आपके पास तो असली रतन है आपको हम जाने नहीं देंगे आप यहाँ रहिए यहाँ प्रोग्राम करिए तो उन्होंने ही सब ने वीज़ा भी एक्सटेंशन करा दिया और हमें रहने की व्यवस्था दिया और सेवा शुरू कराई और वहाँ पर एक प्रोग्राम उन्होंने रखा जिसमें अस्सी लोग ने एक साथ कोर्स किया उनमें से कई बाबा के बच्चे बने और वही बच्चे निमित्त बने वहाँ पर सेंटर स्थापन करने के आज भी उनमें से बाबा के बच्चे हैं तो एक ही प्रोग्राम से किस प्रकार बाबा अपना काम कराता है जबकि वहाँ सारी पॉपुलेशन मैक्सिमम मुस्लिम है और हिंदू पॉपुलेशन तो बहुत कम है एक समय पर था अभी तो कम है तो यहाँ पर हम लोग जो गए हम लोग तो कोई हिंदू मुस्लिम सोच के नहीं गए आत्माएं हैं भगवान के बच्चे हैं उनको संदेश देना तो वो जो मंदिर था ना उस मंदिर में शाम को रोज़ प्रार्थना होती थी और उसके बाद कुछ प्रवचन होता था फिर तो उन्होंने रोज हमको प्रवचन करने का मंदिर में इस मौका दे दिया तो हमें ऑडियंस मिलती रही और हम बाबा की बात सुनाते रहे अब वहाँ भी यही बात थी कि हमारा वहाँ कोई लिखित में परिचय नहीं है न कोई साइनबोर्ड है न कुछ है लेकिन वो जो प्रार्थना सभा में लोग आते थे वो समाज के भिन्न भिन्न स्तर के भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे लोग आते थे उनमें से यूनिवर्सिटी ढाका यूनिवर्सिटी का कोई बड़ा आया था उसने देखा ये तो बहुत अच्छी बात सुनाते फिर उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोग्राम में हमें बुलाया और पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर उनका कोई प्रोसेशन चल रहा था उसमें घोड़े गाड़ी में बिठाकर हम बहनों को परिक्रमा भी करवाया लेक्चर भी दिलवाया और ज़्यादा प्रचार में आ गया और बहुत सारे यूथ उसमें से निकले आगे आए और इस प्रकार क्या हुआ कि उसी मंदिर के अंदर ज्ञान सुनाने के लिए धीरे धीरे दिर उन्होंने और जगह दे दिया और डेढ़ साल तक वहाँ क्लास चला डेढ़ साल तक डेढ़ साल तक जब क्लास चला तो मंदिर वालों ने देखा अरे इनके क्लास में ज़्यादा लोग आने लग गए और हमारे मंदिर में कम आने लोग कम लोग आने लग गए क्या बात है फिर उनको थोड़ी संकल्प चलने लगी इतने में बाबा ने अपना काम कर लिया बाबा ने भी कहीं और एक जगह जगह ढूंढ लिया और वहाँ पर हमें अच्छी जगह मिल गई और वहाँ पर हम लोगों ने शिफ्ट हम शिफ्ट हो गए और उस जगह में थोड़ा सा जगह लेके शुरू किया था आज धीरे धीरे काफ़ी बड़ा स्थान और बहुत अच्छा ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छी बाबा की सेवाएं हुई और वहाँ पर भले मुस्लिम कंट्री है लेकिन कंसेप्ट मेडिटेशन का उन्हें सबको पसंद आता है वहाँ भी जहाँ पांव रखते वहीं सेवा कोई भी सफ़ेद कपड़े हैं हमारे और तो कुछ नहीं बस यही सेवा करती है हम कहीं भीड़ में भी जाते बाजार भी जाते तो लोग खड़े होकर पूछते हैं आप लोग कौन हैं कहाँ से आए यहाँ क्या सिखाते हैं आप लोग हम भी सीख सकते हैं क्या अपने आप लोग पूछते हैं और जब मेडिटेशन कहते हैं तो क्यों? सभी धर्म के लोग वहाँ देखा मेडिटेशन करने से बड़ा खुश होते हैं और परमात्मा का कंसेप्ट जो निराकार है ये उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है तो अपने भाई बहनों में मिक्स भाई बहनें हैं हिंदी हिंदू भी हैं तो मुस्लिम भी हैं जिन्होंने इस ज्ञान को समझा वो तो पक्के बन गए और बहुत अच्छी सेवा अभी वहाँ पर तीन सेंटर्स खुल गए हैं अभी तो रिट्रीट हाउस का भी जगह खरीदना हुआ और वहाँ पर काम चल रहा है इस प्रकार बाबा का कार्य बाबा कैसे कैसे कराता है तो हमने देखा कि कार्य बाबा का है हम कभी नहीं कह सकते कि हमने किया हम सोच भी नहीं सकते हैं बाबा का कार्य है बाबा किसके द्वारा क्या कराता है वो बाबा जानते हैं बस हमें तो इतनी खुशी होती है कि नई दुनिया स्थापना के लिए ब्रह्मा बाबा आया तो ये नई दुनिया स्थापना का कार्य अभी चल रहा है नरक को स्वर्ग बनाने का खुद शिव बाबा ब्रह्मा बाबा अपना काम कर रहे हैं लेकिन बाबा ने हमें उनके साथ शामिल किया ये हमारा भाग्य है हम उनके साथ मिल के नए विश्व स्थापना का काम कर रहे हैं बाबा ने हमें जो भाग्य दिया इस भाग्य के लिए हम सदा बाबा को बहुत धन्यवाद करते बाबा आपने हमें अपने साथ लिया ये मौका दिया इसलिए आपकी बहुत शुक्रिया बाक़ी तो करने कराने वाला आप ही हैं जो कराना चाहते कर करा रहे हैं और आप तो क्या नहीं कर सकते सब कुछ कर सकते तो बाबा की कमाल देखी संगम युग की कमाल देखी स्थापना का कमाल देखा बस मैं तो अंदर ही अंदर यही गुण गाती हूँ वाह 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 आपने क्या कमाल कर दिया ओम शांति आदरणीय कविता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी उनके अनुभव सुनकर बहुत लाभान्वित हुए कैसे बाबा ने आपको बेहद की सेवाओं में रखा कैसे आपने अगरतला की और बांग्लादेश की सेवाओं को शुरू किया ऐसी विशेष सेवाओं के निमित्त बनी आप ज़रूर बहुत विशेष बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हैं हम सभी भाई बहनें आपके इस अनुभव से आज बहुत सारी प्रेरणा ले रहे हैं आदरणीय दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और फिर से आप सभी के साथ जुड़ेंगे ऐसे ही विशेष कार्यक्रम में अनुभवों की लेन देन तब तक के लिए ओम शांति